हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की साइड बुक का क्वेश्चन है और वीडियो का पार्ट नंबर है R26। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन की वर्डिंग को आप बिल्कुल ढंग से समझिए, क्योंकि इसकी वर्डिंग में ही काफ़ी कुछ है और उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्या है, 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर। देखिए ये लाइन एक बार में है, मतलब एक साथ आप इसको, इसका मीनिंग को समझिए कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिनट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 टाइम है, तो 6 टाइम है तो हमारे पास क्या है, 6 घंटियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाईवे पर कभी आप जाते हैं तो बीच बीच में टोल नाका आता है, तो वहाँ पर जो टोल टैक्स आप लिया जाता है, तो वहाँ पर आपकी 6 घंटियाँ हैं, तो उसमें से जो पहली घंटी है वो हर 2 मिनट के बाद क्या होती है, बजना शुरू होती है। दूसरी वाली घंटी हर 4 मिनट के बाद बजना शुरू होती है। तीसरी वाली जो घंटी है वो हर 6 मिनट के बाद बजना शुरू होती है, मतलब 6 मिनट के बाद बजती है। चौथी 8 मिनट के बाद के मतलब अभी बजी है तो 8 मिनट के बाद बजेगी। इस टाइप से जो फिफ्थ घंटी है आपकी वो अभी बजी है तो फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद बजेगी, और इसी टाइप से जो छठवीं घंटी है वो अगर अभी बजती है तो उसके बाद वो 12 मिनट के बाद क्या बजेगी। इन 30 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर, कि आपको ये बताना है कि 30 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में क्या हो रही हैं, वो बज रही हैं, तो आपको ये बताना है कि 30 आवर्स में आधे मतलब 30 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ये निकाल लें कि वो कितने मिनट के बाद एक साथ बजती हैं, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि 30 आवर्स में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये 6 के 6 घंटे एक साथ कितने मिनट के बाद बजना मतलब एक साथ बजती हैं। तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स कि लेट द 6 बेल्स कमेंस टुगेदर एट एक्स मिनट, कि आपने क्या मान लिया कि वो 6 के 6 जो घंटियां हैं वो एक्स मिनट पे एक साथ बजती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिक्वायर्ड टाइम है एक्स मिनट, ये जो भी होगा वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सबसे डिविजिबल होगा, और क्योंकि ये जो एक्स मिनट आने वाला है वो इन सबसे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये पहली वाली 2, दूसरी 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट पे क्या हो रही हैं, आपकी बज रही हैं, तो जो भी रिक्वायर्ड टाइम आने वाला है वो इससे ज़्यादा आने वाला है, और ये सारे के सारे इवन नंबर है, यानी कि जो भी हमारा ये एक्स आएगा वो इवन आएगा, और इवन आएगा तो वो इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम एक्स मिनट है, एक्स क्या होगा आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना गया 0, और टाइम आप क्वेश्चन कितना मान लीजिए आप Q1, ये जो x होगा वो दूसरा जो टाइम हमारा उससे 4 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, और क्वेश्चन कितना मान लीजिए आप Q2, ये जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा वो तीसरे वाले टाइम से, यानी कि आपका कितना है 6 मिनट है, उससे भी डिविजिबल होगा, आप क्वेश्चन Q3 मान लीजिए और रिमाइंडर कितना हो गया 0, फिर ये जो x होगा वो आपका 8 से भी डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वेश्चन आप Q4 मान लीजिए। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स ये जो x रिक्वायर्ड टाइम होगा वो आपका डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर आप 0 और क्वेश्चन आप Q5 मान लीजिए, और ये जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम एक्स होगा वो आपका 12 से भी डिविजिबल होगा, तो आप रिमाइंडर 0 हो जाएगा और क्वेश्चन Q6 मान लीजिए। अब स्टूडेंट्स, आपने एक EDL पढ़ा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर भी होता है, लेकिन रिमाइंडर 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ये पहली क्वेश्चन होगी। इस डिवीजन को भी इसी फॉर्म में लिख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन, यानी कि 4Q2, रिमाइंडर 0 है तो ऐसे वही आ जाएगा। थर्ड से हो जाएगा x इज इक्वल टू 6Q3, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर हो जाएगा अगला x इज इक्वल टू 8Q4, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10Q5, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई, और लास्ट वाला हो जाएगा x इज इक्वल टू 12Q6, ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, ये जो जितनी भी इक्वेशन है आप इस पर जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, इसमें हो क्या रहा है कि 2 वो x का फैक्टर है, x का फैक्टर इसलिए क्योंकि 2 ने x को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो अगर 2 से हम x को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 0 है, तो 2 x का फैक्टर है, वैसे 4 भी x का फैक्टर है, 6 भी x का, 8, 10, 12 सारे x के फैक्टर हैं, और अगर ये सारे x के फैक्टर हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे, और x को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि x इज़ डिविजिबल बाई
टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व, कि इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब स्टूडेंट्स एज यूजुअल सभी क्वेश्चंस की तरह जो मैं हिंट देता हूँ वो आप देख लीजिए, कि यहाँ पर हिंट है कि इफ़ द रिक्वायर्ड नंबर इज़ डिविजिबल ऑब्लिक डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है अगर वो क्या हो, गिवन नंबर से डिविजिबल हो, देन क्या होता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर, कि इस रिक्वायर्ड नंबर को पता करने के लिए जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में भी सिचुएशन है। हमारे क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है कि जो एक्स है आपका, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व से डिविजिबल है, यानी कि आपको एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम ऑफ टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व निकालना पड़ेगा। इसका जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड टाइम एक्स होगा। तो आइए स्टूडेंट्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व का एलसीएम निकालते हैं। पहले टू से डिवाइड कर लेते हैं, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, टू थ्री जै सिक्स, टू फोर जै एट, टू फाइव जै टेन एंड टू सिक्स जै ट्वेल्व। फिर टू से करिए, टू वन जै टू, थ्री ऐसे रहेगा, टू टू जै फोर, फाइव ऐसे रहेगा, टू थ्री जै सिक्स। फिर आप टू से कर लीजिए, वन वन, ये थ्री हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये फाइव और ये कितना हो जाएगा, थ्री। फिर आप थ्री से डिवाइड कर लीजिए, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये भी वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये फाइव और ये वन हो जाएगा। और लास्ट में आप फाइव से डिवाइड कर लीजिए, वन 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 एंड वन। तो जो हमारा स्टूडेंट्स एलसीएम आया, तो एलसीएम आ जाएगा आपका वन टू थ्री, यानी कि टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, और टू टू द पावर थ्री होता है टू टू जै फोर, फोर टू जै एट, एट इंटू थ्री इंटू फाइव हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एट फाइव जै फोर्टी थ्री जै वन ट्वेंटी मिनट। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो घंटियाँ, जो पहली घंटी दो मिनट के बाद आपकी बज रही थी, दूसरी चार मिनट के बाद, छः आठ दस और बारह मिनट के बाद बज रही थी, तो अगली बार वो कौन सा टाइम होगा कि जब वो एक साथ बजेंगी, तो यानी कि आपका 120 मिनट के बाद वो क्या होंगी, एक साथ चेंज होंगी। अगर आप इसको मिनट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप 120 को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 12, यानी कि ये हो जाएगा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 आवर। यानी कहने का मतलब है कि हर दो घंटे के बाद ये जो घंटियाँ हैं वो एक साथ बजेंगी। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना था कि वो 30 आवर में एक साथ कितनी बार बजेंगी, कि 30 घंटे के इंटरवल में वो एक साथ कब बजेंगी। तो स्टूडेंट्स इसे भी समझिए, आप थोड़ा सा ये समझना भी बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए स्टूडेंट्स कि हम मान लेते हैं कि वो जैसे 8 AM पे एक साथ बजी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर दो घंटे के बाद बजेंगे तो दो हो गया, यानी कि दो घंटा हो गया, फिर चार घंटा हो गया, फिर छः, फिर आठ, क्योंकि दो दो घंटे के इंटरवल में वो क्या हो रही हैं, बज रही हैं। तो देखिए 8 बजे बजी थी, फिर दो घंटे बाद बजेगी, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, फिर दस, फिर बारह, फिर चौदह, फिर सोलह, फिर अट्ठारह, फिर बीस, फिर बाईस, फिर चौबीस, फिर छब्बीस, फिर अट्ठाईस और फिर क्या हो जाएगा, तीस। यानी कि यहाँ तक हो गया आपका 30 आवर हो गया। आठ बजे ये था, फिर दो घंटे बाद बजी, फिर दो दो, चार चार, इसी टाइप से आपने काउंट कर लिया तो टोटल कितना हो गया, 30 आवर हो गया। तो देखिए कितना, अब यहाँ से काउंट कर लीजिए स्टूडेंट्स कितने डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यानी कि आपका वो 16 टाइम्स क्या होंगी, 30 आवर में वो सारी के सारी जो घंटियां हैं वो 16 बार एक साथ बजेंगी। और इसको निकालने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आपको क्या बताना था कि इन 30 आवर्स में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो आप क्या करिए कि हर दो घंटे के बाद वो एक साथ बज रही हैं, तो 30/2 कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 15। यानी कि 8 बजे से और 30 आवर, मतलब 8 बजने के बाद 30 घंटे जब भी होंगे उसके बीच में कितनी बार बजेंगी, 15 टाइम्स बजेंगी। और एक 8 बजे भी तो बजी थी, जब एक साथ बजी थी ना, बजना शुरू हुई थी तो 8 बजे भी तो बजी थी, तो बीच में तो 15 बार बजी है और एक ये भी हो गया इंक्लूड, तो 15+1 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। यानी कि 30 आवर्स में वो 16 टाइम्स एक साथ बजेंगी और हर दो घंटे के बाद वो एक साथ बजना शुरू होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।